अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पकोड़े। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़ों के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन का आटा, 1-2। उसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक और 1 कप पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। और थोड़ा पानी शामिल करेंगे। 1 हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल करेंगे, उसे मिक्स करेंगे। 1 लड़ी मैंने कड़ी पत्ते की ली हुई है, उसे बारीक मैंने काट लिया है, उसे हम शामिल करेंगे, उसे मिक्स करेंगे। हमें 1 अदद आलू लेना है, उसका छिलका निकाल के उसे बारीक क्यूब में काट कर उसे शामिल करना है। और ये 2 अदद मैंने प्याज को पतली स्लाइस काट लिया है, उसे हमें शामिल करना है और उसे अच्छी तरह मिक्स करना है। गैस का चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है, उस पर कढ़ाई रखी हुई है, उसमें हम बहुत सारा ऑयल शामिल करेंगे। पकोड़े फ्राई करने के लिए हम उसमें ऑयल शामिल करेंगे। हाथ को अच्छा धो लें और उसे अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें 1/2 बंच हरा धनिया, उसे बारीक काट कर हमें शामिल करना है। और यह 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसे आप पकोड़े फ्राई करने के पहले शामिल करें, उसे अच्छी तरह मिक्स करना है। हमारे पकोड़ों का बैटर तैयार हो तब आप नमक चेक कर लें। अगर आपको नमक चाहिए तो और शामिल करें। अब हम इस पकोड़ों को फ्राई करेंगे। तेल अब अच्छे से गरम हो चुका है, पकोड़ों को हमें ऑयल में शामिल करना है। इन पकोड़ों को हमें एक तरफ अच्छी तरह फ्राई होने देना है। जब इस तरह पकोड़े ऊपरी सतह पर आ जाए तब हम इसे पलटेंगे। इस तरह जब पकोड़ों पर सुनहरा कलर आ जाए तब हमें उसे प्लेट में निकालना है। तैयार है हमारे पकोड़े। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।